बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। समीर पब्लिक हाई स्कूल के प्लेटफॉर्म पर तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदी। पिछली वीडियो में हमने नरेशन के मुताबिक पढ़ा था, नरेशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए थे। आज हम से और सेज वाले जुमलों के मुताबिक पढ़ेंगे। से और सेज वाले जुमलों को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ असूल मैंने यहाँ पर मैंशन किए हैं। सबसे पहले कोमास को हटाने के लिए डैट यूज किया जाता है, कोमास को हटाने के लिए डैट यूज किया जाता है। नंबर दो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब फेल हाल या फिर मुस्तकबिल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होगी। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के मुताबिक पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताया था, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से सर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी, ये हमारे पास एक डायरेक्ट सेंटेंस है। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ उसूल मैंने बताए थे। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में देखें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मौजूद है। रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप एस मेंशन कर लें। उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं, यहां पर देखें प्रोनाउंस वी, ये फर्स्ट पर्सन है, ओवर ये भी फर्स्ट पर्सन, एंड वी और अस ये वी की सेकंड कंडीशन में हालत है। इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए लिखेंगे दे से कोमास हटा के दैट लगाएंगे, दे से दैट। वी को हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, वी दे में जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, दे They have done. Over को भी हम subject के मुताबिक change करेंगे क्योंकि ये भी first person pronoun है। तो we over us, we की यहाँ पर second हालत over use की गई है, तो हम यहाँ पर they की second हालत they dear use करेंगे। T H E I R dear duty, ये हमारा एक sentence डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास है यू विल से टू हिम, यू विल से टू हिम, यहाँ पर फ्यूचर भी मेंशन है। अगर कोई टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसके रिपोर्टिंग के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होती, ये मैंने पहले आपको बताया। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट मेंशन कर लेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन देख लेते हैं, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, उसके बाद यूअर ये भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाता है। हम इसकी तब्दीली की तरफ आते हैं, यहां पे इसको जैसे है वैसे ही करा देंगे। यू विल से बुक की जगह हम टेल यूज करेंगे, से बुक हटा के हम क्या लगाएंगे यहां पे टेल, टेल हिम, कोमा लगा के दैट यूज करेंगे, टेल हिम दैट। यू को हम हिम में कन्वर्ट करेंगे, यू जो के फर्स्ट हालत में है तो हिम की फर्स्ट हालत ही है, तो यहां पर ही लगाएंगे। आर की जगह ऐसा आएगा ही इज होता है, ही आर नहीं होता, ही इज वाइट, ही इज वेस्टिंग। यूअर, यू की सेकंड हालत यूअर है तो यहां पर हिम की सेकंड हालत हिज है, ही इज हिम, तो हम हिज यूज करेंगे, हिज टाइम। यू विल टेल हिम दैट, टेल क्यों यूज किया है, यहां पर से टू आ गया, से टू घटा कर टेल यूज करेंगे, टेल हिम कोमा बढ़ा के दैट लगाया, ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। यू को हम हिम में लेकर गए, हिम की पहली हालत ही है क्योंकि यू यहां पर पहली हालत में मौजूद है, तो हम इसलिए ही को यहां पे मेंशन करेंगे, ही इज वो है, ही के साथ हमेशा इज लगता है, आर नहीं लगता, इसलिए हमने ही इज यूज किया है। वेस्टिंग हिज टाइम, तो यू को भी हम हिम की सेकंड हालत में ले जाएंगे, हिज टाइम। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे, खुदा हाफिज़।